ओके, वी आर बैक विद आर न्यू क्वेश्चन. फाइंड वी नोट टी. यहाँ पे वी नोट टी की वैल्यू बतानी है हमें. इनपुट गिवन है 20 cos 40 माइनस 15 डिग्री. एक रजिस्टर गिवन 60 ओम का, और एक कैपेसिटर गिवन है 10 मिली फेरेट का, और इंडक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू देखिए 5 हेनरी. हमें वी नोट की बतानी है वैल्यू. वी नोट यानी इंडक्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे उसकी वैल्यू बतानी है. तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूँ तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. जो इसके वी नोट इसके अक्रॉस है, वी नोट ही इसके अक्रॉस होगा. यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नोट यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है. वी नोट इसके भी अक्रॉस है, वी नोट इसके भी अक्रॉस, दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें क्या करना है, ये देखो ये इंडक्टेंस दे रखा है या कैपेसिटेंस दे रखा है, इनको किस में चेंज करना है, इनको रेजिस्टेंस में चेंज करना है, इम्पीडेंस में, ठीक है. तो मैं इसका इम्पीडेंस कहता हूँ जेड सी, और इसका कहता हूँ मैं इम्पीडेंस जेड एल. तो निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही सबके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी. तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, जो टी का कोएफिशिएंट है 4, ठीक है. तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. पहले मैं जेड सी निकालता हूँ. जेड सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जे ओमेगा की वैल्यू है 4, और सी की वैल्यू है 10 मिली फेरेड. मिली को चेंज करो 10 की पावर माइनस 3. तो जेड सी इक्व टू कितना आ जाएगा, जे को मैं ऊपर ले गया, माइनस जे हो जाएगा, ठीक है. ये बचेगा 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 पर जाकर हो जाएगा 100 अपॉन 4. ये आ गया जे 25 ओम. जेड सी की वैल्यू आ चुकी है जे माइनस जे 25 ओम. ऐसे जेड एल निकाल लो. जेड एल कितना होगा, जे ओमेगा की जगह 4 है, एल की जगह 5. ये आ जाएगा जे 20 ओम, ठीक है. तो हमें जेड सी पता चल गया, जेड एल पता चल गया. अब क्या करूँगा, मैं इस नोड पे केसीएल लगा दूंगा. मान लो इसमें करंट ऐसा आ रही है, इसमें ऐसे जा रही है, और इसमें ऐसे जा रही है, ठीक है. इसको मैं करंट कहता हूँ I1, इसको नाम दे दिया मैंने I2, इसको कह दिया मैंने I3, ठीक है. तो देखो I1 आ रही है, I2 I3 जा रही है. तो KCL लगा, I1 इक्वल टू आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, ठीक है. उन दो I1 आ रही है, I2 I3 जा रही है. I1 के लिए लिखो इक्वेशन क्या होगा, इसको मैं पहले फेजर फॉर्म में लिख लूँ. ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पहले जो एम्पलीट्यूड होता है वो लिखते हैं, उसके बाद जितने का एंगल दे रखा होता है, ठीक है. एंगल ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री है, यानी माइनस 15 डिग्री, ठीक है. तो ये इसका इतने वोल्टेज, तो I1 लिखूंगा मैं कितना हो जाएगा, दिस माइनस वी नॉट 20 एट एन एंगल ऑफ माइनस 15 डिग्री, ठीक है. माइनस वी नॉट अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 60 ओम. जी कस टू I2 यानी वी नॉट माइनस 0 अपॉन जेड सी कितना आया मेरा, माइनस जे 25. ऐसे इंडक्टर इसके लिए लिखो I3 के लिए वी नोट माइनस 0 अपॉन इसका जेड एल कितना, जे ट्वेंटी, ठीक है. बस यहाँ से वी नोट की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को सोल्व करके. मैं क्या करता हूँ, आसान बनाने के लिए 60 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, ठीक है. तो 60 मल्टीप्लाई करा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, 20 एट एन एंगल ऑफ माइनस 15 डिग्री माइनस वी नोट, ठीक है. यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 60 अपॉन माइनस जे 25 वी नोट, 60 अपॉन जे 20 वी नोट, ठीक है. वी नोट को मैं इधर ले गया, इस वाले वी नोट को वी नोट मैं कॉमन ले लूँगा. फिर 20 माइनस 15 डिग्री यहाँ से कितना बचेगा, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल, ये 12 अपॉन 5 माइनस जे ऊपर जाके प्लस जे हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है. इधर ये कितना, इससे हो जाएगा जे ऊपर जाकर माइनस जे हो जाएगा, 2063 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है. इतने वी नोट, ठीक है. तो वी नोट कितना आ गया मेरा, 20 एट एन एंगल ऑफ इतना अपॉन ये वाला, ठीक है. तो ये 1, ये कितना बचा, जे 2.4 माइनस जे 3 कितना हो जाएगा, माइनस का जे 0.6. इसको भी मैं क्या करूंगा, ऐसे ही फेजर में चेंज कर दूंगा नीचे वाले को,
फेजर में चेंज करने के लिए इसका क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, वन का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंगल निकालने के लिए टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना, माइनस 0.6 अपॉन रियल पार्ट वन। तो वी नोट कितना आ जाएगा, 20 अपॉन ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 1.36। एंगल माइनस 15 डिग्री। ये देखो इसका यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ इसको, एट इसका एंगल नीचे वाले कितना आ जाएगा, माइनस 10 इनवर्स 0.6। तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 1.36 एंगल, जब डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, वो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो 10 इनवर्स 0.6। तो वी नोट अगर जब सोल्व करेंगे 20 अपॉन 1.36 ये आएगा 17.15 और एंगल इसका आएगा 15.96 इतने डिग्री, ठीक है। तो ये फेजर फॉर्म में, अगर हमें आउटपुट जो जिस फॉर्म में इनपुट दे रखा है, ठीक है, तो इसमें लिखना हो तो कोस 40 हमारा क्या था, रेफरेंस है कोस। तो इसको अगर मैं टाइम डोमेन में लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसका पहले बाहर लिखते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, देन हमारा जो रेफरेंस है 40 प्लस इसका एंगल 15.96 डिग्री, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, वी नोट आ चुका। ऐसे एसी सर्किट आते चले आएंगे, ऐसे ही हमें करना सारे एसी सर्किट के लिए काम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हो गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ।